नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर और कंगाल डॉग के बीच में। कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओरिजिन, अमेरिकन पिटबुल टेरियर की ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, तो वहीं पर कंगाल डॉग का ओरिजिन टर्की से है। साइज, अमेरिकन पिटबुल टेरियर मीडियम साइज के होते हैं और कंगाल डॉग जायंट साइज के होते हैं। हाइट, अमेरिकन पिटबुल टेरियर में मेल्स और फीमेल्स दोनों की है हाइट 35 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग में मेल्स की हाइट 77 सेंटीमीटर टू 86 सेंटीमीटर तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 72 सेंटीमीटर टू 77 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। वॉच डॉग एबिलिटी, पिटबुल और कंगाल शेफर्ड डॉग दोनों ही बहुत ही अच्छे वॉच डॉग होते हैं, पर कंगाल शेफर्ड डॉग पिटबुल डॉग से भी बहुत ही अच्छे वॉच डॉग माने जाते हैं। बाइट फोर्स, पिटबुल की बाइट फोर्स 238 PSI की होती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग की बाइट फोर्स 743 PSI की होती है। कोट एंड कलर्स, पिटबुल शॉर्ट कोट के होते हैं और ये ब्लैक, ग्रे, रेड, टेन, ब्लू, वाइट, ब्राउन और येलो कलर में पाए जाते हैं, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड हल्के से डेंस कोट के होते हैं और ये ब्लैक, ग्रे और क्रीम कलर में पाए जाते हैं। ग्रूमिंग, पिटबुल को बहुत ही कम ग्रूमिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग को पिटबुल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ग्रूमिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बाइटिंग पोटेंशियल, अमेरिकन पिटबुल टेरियर की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही हाई है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग की बाइटिंग पोटेंशियल मॉडरेट है, ये बहुत ही कम लोगों को बाइट करते हैं। टेम्परामेंट, अमेरिकन पिटबुल टेरियर की टेम्परामेंट स्टबबॉर्न, क्लोइस, करेजियस, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, ओबीडियंट, लॉयल, स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव होती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग की टेम्परामेंट इंडिपेंडेंट, प्रोटेक्टिव, अलर्ट, सेंसिटिव, सेल्फिश, काम और कंट्रोल्ड होती है। प्लेफुलनेस, अमेरिकन पिटबुल टेरियर को अपने फैमिली के साथ खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग थोड़े लेजी टाइप के डॉग होते हैं और इनको उतना खेलना कूदना पसंद नहीं होता है। लाइफ स्पैन, अमेरिकन पिटबुल टेरियर की लाइफ स्पैन 10 टू 14 ईयर्स तक की होती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड की लाइफ स्पैन 11 टू 15 ईयर्स तक की हो सकती है। बार्किंग, अमेरिकन पिटबुल टेरियर कंगाल शेफर्ड डॉग के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बार्क करते हैं। अपार्टमेंट फ्रेंडली, ये दोनों ही डॉग ब्रीड को अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही डॉग ब्रीड को बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। सोशल नीड, अमेरिकन पिटबुल टेरियर और कंगाल शेफर्ड दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इनको सोशलाइजेशन न करवाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव बन सकते हैं। ट्रेनेबिलिटी, अमेरिकन पिटबुल टेरियर को ट्रेन करना कंगाल शेफर्ड के मुकाबले बहुत ही आसान होता है। प्राइज, पिटबुल का एक पपी इंडिया में 35,000 to 50,000 के बीच में मिल जाएगा, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड का एक पपी 65,000 to 85,000 के बीच में मिल जाएगा। वेट, अमेरिकन पिटबुल टेरियर में मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही वेट 10 to 35 kg तक की हो सकती है, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग में मेल्स की वेट 50 kg to 66 kg तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 41 kg to 54 kg तक की हो सकती है। यूजर्स रेटिंग, यूजर्स रेटिंग में अमेरिकन पिटबुल टेरियर को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं, तो वहीं पे कंगाल शेफर्ड डॉग को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स की यूजर्स रेटिंग मिली है। पॉपुलैरिटी रैंक, अमेरिकन पिटबुल टेरियर की पॉपुलैरिटी रैंक 36 है, तो वहीं पे कंगाल डॉग की पॉपुलैरिटी रैंक 92 है। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।